नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। गठबंधन संकट में है झारखंड में। जी हां, दिल्ली में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाने वाले लोग झारखंड पहुंचते ही बिखर गए। दिल्ली में एकता का नारा दिया और झारखंड में एक दूसरे के साथ खेला कर दिया। कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5, आरजेडी और सीपीआईएम को एक एक सीट वाला फॉर्मूला टूट गया है। आरजेडी ने बिहार में जो कांग्रेस के साथ किया वही झारखंड में कर दिया है, मतलब बिना बातचीत के सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। गठबंधन का फॉर्मूला तय था कि आरजेडी को एक सीट का, लेकिन आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए 2। आरजेडी ने 2 सीटों पर ताल ठोक कर मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है और इन दोनों सीटों पर ही कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन है। सीटों के बंटवारे के पहले से ही आरजेडी ने पलामू सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया और आरजेडी ने पलामू सीट से ममता भुइया को टिकट देकर हुंकार भर दी। वैसे इससे पहले ही सीपीआईएम ने अपने आप को किनारे में कर लिया था। अब ऐसे में पूछता है झारखंड कि गठबंधन का बेड़ा पार कैसे होगा। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो लालू प्रसाद ने झारखंड में गठबंधन के सामने ही नई परेशानी खड़ी कर दी है। दिल्ली में गठबंधन सीट शेयरिंग पर बैठक कर रहा है, मगर कुछ तय हो पाता उससे पहले ही झारखंड के आरजेडी नेताओं ने एक सीट पर ताल ठोक दी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी बिहार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। आरजेडी के प्रत्याशी 2 सीटों पर ताल ठोक कर मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। इन दोनों सीटों पर ही कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन है और सीटों के बंटवारे के पहले ही आरजेडी ने पलामू सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आरजेडी ने पलामू सीट से ममता भुइया को टिकट देने की हुंकार भर दी है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले ही सीपीआईएम ने अपने को किनारा कर लिया है। सीपीआईएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। 4 सीटों पर घोषणा बाकी है, यानी झारखंड में लंबी कश्मकश के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर नतीजे के करीब पहुंचने से पहले ही महागठबंधन की सांसें अटक गई हैं। यानी इंडिया गठबंधन ने भले ही साथ निभाने की कस्में खाई, मगर दाल नहीं गल पाई है। आपको बता दें कि इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 और आरजेडी और सीपीआईएम को एक एक सीट पर फॉर्मूला तय किया था। समय नजदीक आते ही फॉर्मूला टूट गया, मतलब साफ है कि झारखंड में भी बिहार जैसी हालात हैं। पूर्णिया में कांग्रेस के पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो झारखंड के पलामू और चतरा में आरजेडी ने चुनावी बिसात बिछा दी है। पलामू में ममता भुइया को टिकट देकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। उधर चतरा में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर अब एक दिन पहले ही बीजेपी का 5 साल का सफर बीच में छोड़कर आरजेडी में लौटे पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, यानी गठबंधन लठबंधन में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में जो खेला हुआ है इसको लेकर कोई नई तस्वीर नहीं है। लंबे समय से, जब से चुनावों का ऐलान हुआ और उससे भी पहले जब इंडिया गठबंधन बनाया गया, तब से ये सवाल लगातार उठता रहा कि ये गठबंधन कितने दिन टिकेगा। और वो सवाल इसलिए था क्योंकि ऐसा गठबंधन सिर्फ 2024 के लिए नहीं बना है। 2019, 2014 ऐसे कई चुनाव होते गए जहां पर काफी सारे विपक्ष के दलों ने एक साथ आने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आते आते अपने अपने प्रदेशों में सिमट गए और बिखर गए। इसलिए ही सवाल कर रहे थे, क्योंकि जवाब यह आ रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, तो इसीलिए इस पर चर्चा भी हो रही थी। और अब तस्वीर सबके सामने है, बंटवारा या बंटाधार जो फॉर्मूला है वो 7-5-1-1 का था, यानी कि कांग्रेस को 7 सीटों का, जेएमएम को 5 सीटों का और इसके बाद सीपीआईएम और आरजेडी को एक एक सीट का था।
तो कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन में दरार है और ऐसा हम कह नहीं रहे, ऐसा झारखंड में घट रहे घटनाक्रमों से पता चल रहा है, क्योंकि आरजेडी ने पलामू सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मसले पर चर्चा भी शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में कमल ठाकुर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। और दीपक कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तो कमल ठाकुर जी, मसला ये है, मैं आपसे पहले भी पूछता रहा, आपकी तरफ से जवाब आया सब कुछ ठीक है, अभी जो घटनाक्रम घटा है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आरजेडी ने दो सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए मतलब ऐलान कर दिया कि ये दो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दे दिया गया है कि अभी उनके राष्ट्रीय नेता के द्वारा ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है कि दो सीटों पर आपके प्रत्याशी उतर चुके हैं। ममता भुजिया को टिकट देते हुए फोटो है लालू प्रसाद यादव की, नहीं नहीं सॉरी मीसा भारती टिकट दे रही हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, टिकट के लिए इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव और मनोज झा अधिकृत रहे। हाँ, वो बोलेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ माने वो तैयार हैं दो सीटों पर लड़ने। अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। और आपको मैं बता दूं कि चतरा सीट अभी भी नहीं, हमको भी पता है कि वहां पर पलामू में वो ममता भुइयां के लिए बात हो रही है, लेकिन चतरा में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। चतरा कांग्रेस लड़ेगी, ये तय है। मतलब पूर्णिया की तरह, जैसे बिहार में हो रहा है, पूर्णिया की तरह ना? नहीं 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 नहीं, पूर्णिया में तो देखिए, पूर्णिया का बात कुछ और है। नहीं नहीं, मसला तो यही है ना, वहां पर भी कुछ और है। वहां पर यह है कि आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया पहले ही, और पप्पू यादव ने नामांकन कर दिया कि नहीं कर दिया सर? वहाँ का जो विषय है उस विषय पर बात करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन झारखंड के विषय पर मैं आपसे बता सकता हूँ कि चतरा कांग्रेस ही लड़ेगी और पलामू आरजेडी लड़ेगा। ये अच्छा तरीका है, क्योंकि जब वही बात है ना सर कि सवाल जब हो तो दूसरे जगह का उदाहरण देकर बचा तो जा सकता है, लेकिन वही सवाल जब अपनी तरफ उठ रहा हो। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। बिहार की जो परिस्थिति है उस पर मैं फोर्स नहीं करूंगा। गठबंधन में दरार है, आप नहीं माने कोई बात नहीं सर, जो घटनाक्रम घट रहे हैं उस पर मैं आपसे कभी चर्चा कर लूंगा। आप लोगों को अभी मीडिया में दरार दिख रहा है, दिल्ली और मुंबई का रैली किसी को नहीं दिखा अभी। सर सर रैली से चुनाव जीतेगी क्या? गठबंधन का रैली होने जा रहा है, चुनाव रैली जीतेगी सर, प्रत्याशी जीतेगा चुनाव तब तो मैं बीजेपी चुनाव सर रैली जीतेगी या प्रत्याशी जीतेगा, इतना जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं, तब रैली जीतती है या प्रत्याशी जीतता है? नहीं जीतेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अब पूरे दिन देश का काम काज छोड़ के चुनाव प्रचार में ही रहेंगे। उस पर पूछ लेंगे सर, उस पर पूछ लेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये तो चुनाव रैली सर देख ली, रैली देख सर सुनिए ना, रैली देख ली हमने, सब बड़े बड़े नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए थे और कह रहे थे हम एक हैं दिल्ली के अंदर, तो झारखंड में पर बिहार में बिखर गए सर। नहीं नहीं, कहीं कोई नहीं बिखरा है, विषय अलग अलग हो गए आपके, कहीं प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा ना सर, सीटों पर रैली थोड़ी ना लड़ेगी। बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह जो है वो इंडिया गठबंधन का एक नहीं होगा सर, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा सर, उसी पर वोट दिया जाएगा। सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट सर दिया जाएगा प्रत्याशी पर, चुनाव चिन्ह पर जो आपकी पार्टी का होगा। खैर जेबी तुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है सर जी। नमस्कार, धन्यवाद सर। मसला आपके सामने, इंडिया गठबंधन की तस्वीर जिस तरह से बन रही है, एक बता रहे हैं खुद को, रैली में हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठा रहे हैं और कह रहे हैं हम एक हैं, और प्रदेश में जाते जाते बिखर जा रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से कहते रही है कि ये अवसरवादियों का गठबंधन है, और जो पहली बार बैठक हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, उसके बाद से अगर आप लगातार घटनाक्रम पर नजर रखेंगे तो आप पाएंगे कि
हर बैठक में इनके प्रमुख घटक एक दूसरे के विरोधी बयान देते रहे हैं और मंच को छोड़ते रहे हैं, और इस प्रकार इनका गठबंधन किसी भी वैचारिक धरातल पर नहीं है ये हम कह सकते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और मोदी जी को कैसे हराया जाए इसके लिए ये अपना गठबंधन खड़ा किए गए हैं, और जैसे जैसे समय आएगा आप देखेंगे सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने चुनाव सिंबल पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और एक दूसरे से आमने सामने होंगे, और इस प्रकार उनमें से कुछ लोग जो है वो आपकी पार्टी में शामिल होते जाएंगे। सर नहीं, वो तो देखिए वो तो ईडी घूम रही है इसलिए शामिल हो रहे हैं। जब उनके व्यक्तिगत हित की बात होती है तो लोग पार्टी हमारे यहाँ से उधर जाते हैं, वहाँ उधर से इधर आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं, मसला ये है सर, इंडिया गठबंधन के ही वो लोग जिनको लेकर आप सवाल करते हैं, जिन पर आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और भाई जब इधर आ जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। इंडिया गठबंधन में तकरार है, इंडिया गठबंधन में रार है, और आपके आने के बाद सब ठीक है, अच्छे आदमी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, हम तो आज से दो महीने पहले ही हमने अपने प्रत्याशियों को की घोषणा कर दी, और ये अब चुनाव नजदीक नोटिफिकेशन हो गया है कई राज्यों में, और अब हमारे यहाँ भी होने वाला है। अब इनके तो प्रत्याशी भी सामने नहीं है, अब कौन क्या होगा वो तो अब ये बताएंगे हम लोग, हमारा तो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ये मसला है, ये मुद्दा है, जरूरी मुद्दा है। कमल ठाकुर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे दीपक कुमार जी के पास जाना है। देखिए ये लोग कल इंडियन एक्सप्रेस ने 25 ऐसे नेताओं का नाम उजागर किया है जिसमें 23 नेताओं को जो भ्रष्ट लोग बोलते थे उसको क्लीन चिट दे दिया गया। वही लोग इनके दल से चुनाव लड़ेंगे, वही भ्रष्टाचारी का नाम घोषणा होगा, वो गीता कोड़ा हो या कोई हो। देखिए क्या है ना कि कब नाम की घोषणा होगी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव जो है 7 चरण में है, पहले चरण का घोषणा होगा उम्मीदवारों का, दूसरे चरण का होगा। ऐसा नहीं है कि पहले घोषणा कर देने से, देखिए पहले घोषणा करने से परिणाम तो आप देख रहे हैं, बीजेपी का सुनील सोरेन का नाम हटाकर और आपको देना पड़ा गीता कोड़ा को। तो गठबंधन की स्थिति क्या है, ये अपने पूरे गठबंधन का जो चित्र है वो क्लियर करें कि किस विधान लोकसभा से कौन लड़ रहे हैं, किस राज्य से कौन लड़ रहे हैं, कौन इनके नेता हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इनके सारे गठबंधनों के मैं देखिए आपका मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि आप हमारे राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, मैं दिल से आपका इज्जत करता हूँ। क्या इंडियन एक्सप्रेस ने उन 25 लोगों का नाम दिया है वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, केवल एक लाइन में इसका जवाब दीजिए सर, क्योंकि आप प्रशासनिक आदमी रहे हैं और आपके आप जो है ना राजनीतिक तौर पर बात जो करेंगे वो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बात बताइएगा तो अच्छा लगेगा, ये 25 आदमी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। कौन से 25 आदमी, आप ही नाम भी नहीं है वो, तो आप 25 कहेंगे तो 50 का तो मैं भी नाम गिना दूंगा ना। नहीं नहीं, आप 50 का गिना दीजिएगा सर, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल 25 आदमी का घोषणा किया अपने पेपर के माध्यम से कि 25 आदमी में से 23 आदमी जो हैं वो बीजेपी के मशीन से धूल के साफ हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं पहले भी मैं कहा हूँ कि कोई मशीन से नहीं जुड़ा हुआ है, जो मामले न्यायालयों के समक्ष हैं वो कोई पार्टी के में ज्वाइन करने से नहीं घुस जाते। हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ चले गए और आपके यहाँ के हमारे यहाँ आ गए तो वो धुल गए, ऐसी कोई बात नहीं। सर एक तो चीज और है, प्रफुल्ल पटेल पर उड्डयन मंत्री रहते हुए घोटाला का चार्ज लगा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों दिया? आप कहेंगे कि आपने ऐसे लोगों को किया या आपने गलत लोगों पर केस किया, मुकदमा किया, आप कह सकते हैं बात, लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ गए तो हम क्लीन हो गए, ऐसी बात तो नहीं है, न्यायालय अभी क्लीन। मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है इसका जवाब हमको मिल जाएगा क्या? मधुकोड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं क्या? मधुकोड़ा भारतीय जनता भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष, गीता कोड़ा जब शामिल हो रही थी, बाबूलाल मरांडी कहते हैं उनको भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष, वो तो कहते होंगे उनको, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में मधुकोड़ा ने आज तक ज्वाइन नहीं किया अभी तक, सभी के पास आऊंगा, चूंकि दीपक कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं,
दीपक जी मसला ये है, हम पहले भी इससे कई बार बातचीत कर चुके हैं और आपके साथ मैंने इसको लेकर चर्चा भी की कि दरअसल जिस गठबंधन की बात होती है वो गठबंधन जब धरातल पर आता है तो बिखर जाता है सर। और ये बात सबसे बड़ी बात यह कि उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। पलामू सीट का हाल सबके सामने है, समस्या महागठबंधन के साथ ये है कि ये जितनी देरी करेंगे उतना ज्यादा प्रत्याशी इधर से उधर कूद फांग मचाएंगे। और दूसरी बात यह है कि या तो यह भी हो सकता है देरी करने का कारण कि वो वैसे प्रत्याशियों का वेट कर रहे हैं जो उनको चुनाव जिता दे। लेकिन अजितेश जी, जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। अभी आप ही के पैनल में ये बातें उठ के आई कि अगर चतरा से आरजेडी ने गिरिनाथ सिंह को टिकट दे दिया तो हो सकता है सत्यानंद भोक्ता कांग्रेस से टिकट ले ले, बिल्कुल, या कांग्रेस उसको आगे ला के खड़ा कर दे कि सत्यानंद भोक्ता रिजिड है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ पे जिस तरह बातें हो रही है, और मुझे कोई इसमें दो मत नहीं लगता है कि बिहार वाला हाल झारखंड में भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जब कुछ बहुत हद तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है तो ऐसे में प्रत्याशियों का अपने तरीके से किसी पार्टी का घोषणा कर देना, जिस तरह आरजेडी ने ममता भुइया का नाम उछाला है पलामू के लिए, यहाँ पे सीपीआईएम एक सीट से संतुष्ट नहीं है, वह चार सीटों का पे वो अपना उम्मीदवारों घोषणा कर रही है, चार के और दावे कर रही है, तो फिर ऐसे में महागठबंधन कहाँ दिख रहा है दिल्ली में सर? इसका मतलब है कि जो मजबूत पार्टियां हैं कांग्रेस और जीएमएम वो कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पा रही है, और ये जो है लोकसभा में अगर ये सटीक नहीं बैठा तो आने वाले विधानसभा में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ये तो कुल मिलाकर के बीजेपी कोई फायदा पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने होमवर्क को जल्दी क्लियर करके, अब बहुत समय गुजर गया अजितेश जी, यहाँ कमल जी बैठे हुए हैं, बहुत समय गुजर गया, अब तो प्रत्याशी भी परेशान हो गए हैं कि नामों की घोषणा होगी नहीं होगी, कौन होगा, यहाँ हो रहा है कि गोड्डा में जो कांग्रेस से कोटा में गोड्डा लोकसभा सीट गई थी जिसकी सूचना मिल रही है, यह जानकारी मिल रही है कि एक सीट शायद जेएमएम के पास चले जाए, उसके बदले में जमशेदपुर की सीट जो है कांग्रेस के पास आ जाए, यही सब मुद्दे हैं। इतना उधेड़ बुन तो कोई भी परेशान हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन इससे प्रत्याशी खुद अपने आप को प्रेजेंट कर देगा सर। एक प्रत्याशी 5 साल इंतजार करता है सर, अगर वो चुनाव पहली बार लड़ रहा है तो वो उम्मीद करता है कि उसका नाम जल्दी से आ जाए, तैयारी करता रहता है, और जब यहाँ इतनी देरी हो, कोई मन में सपने सजोकर बैठा है तो जाहिर सी बात है वो तो आगे आ ही जाएगा ना, और जब आगे आएगा तो नाम किसका खराब होगा। मैं तो ऐसे में यही कहूंगा अजितेश जी कि महागठबंधन अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को चलाया है, वो उन पर विश्वास करे, ना कि कोई बाहरी कैंडिडेट को ला करके टिकट देना इसलिए कि हमें जीतना है जी। ये जीत बहुत हद तक मजबूत नहीं बनाएगी, और समय के लिए फायदेमंद हो सकती है। समझ रहे हैं कमल ठाकुर जी, आप सुन रहे होंगे, दीपक कुमार जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है सर, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो समझने की जरूरत है। दीपक जी की सारी बातों को मैं समझ रहा हूँ, उनकी बात को पार्टी लाइन में अच्छा बात है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, वो जो बात आपको बोल रहे सर नहीं लगता कि जब बहस में ये सवाल होता है कि इंडिया गठबंधन में एकता क्यों नहीं है तो थोड़े असहज हो जाते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग जो बात बोल रहे हैं कि गठबंधन में एकता नहीं है, आप एक बात बताइए, कौन आदमी नहीं चाहेगा, कौन दल नहीं चाहेगा कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले सर? तो इसके लिए बैठकर बातचीत होती है ना, सारी और समय से होती है, अभी भी आपको बता और ऐलान हो जाता है। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए, सुनिए, पहले जो फॉर्मूला था ना 7-5-1-1, मतलब 7 कांग्रेस, 5 जेएमएम, 1 आरजेडी और 1 सीपीआईएम, सीपीआईएम चली गई ना सर, अभी मानते हैं इस बात को कि वो अलग हो गई? और तो देखिए सीपीआईएम अलग हो गई, मानते हैं ना आप इसको? नहीं नहीं, माले को हमने एक सीट दिया है, अरे वो 4 पर लड़ रही है ना और 4 पर दावा ठोक रही है। आप एक बार आप 14 पर दावा कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब समझिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीट आप उसको दे रहे थे वो चली गई ना, आपसे अलग हो गई ना, और आरजेडी भी, आरजेडी ने बिहार में क्या किया, इसीलिए तो किया ना सर, क्योंकि आप गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है सर, तो आपको जरूरत है इस बात की कि आप अगुवाई करें।
नहीं नहीं अगुवाई कांग्रेस पार्टी ही देश में कर रही है, ये जुमलेबाज पार्टी जो बीजेपी है उसके खिलाफ में अगुवाई कांग्रेस ही कर रही है, ये एकदम सत्य है। मेरा कहना यह है कि जिसका जितना स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से उसको सीट दिया जाएगा। अब 7 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 5 JMM लड़ेगा, एक सीट RJD, 1 सीट विनोद सिंह को दिया गया है। यही फार्मूला है, यही फार्मूला अंत तक पार्टी और गठबंधन का है। क्योंकि आप जब इस बात को इतना ठोक कर कह रहे हैं तो अभी तो मैं इसको लेकर कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि सीट शेयरिंग के ऐलान के दिन जब हो जाए तब आप बैठिएगा जरूर। निश्चित सर, मैं तो हमेशा आपके चैनल पे तो आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी अब मैं यही कहना चाहता हूँ, अजितेश जी, कमल जी, क्या गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते से JMM में जाएगी और जमशेदपुर पे कांग्रेस के खाते में आएगी? ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कहीं से भी। गोड्डा कांग्रेस लड़ेगी, जमशेदपुर JMM लड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नया फार्मूला नहीं है, ठीक है। जेबी तबीयत जी, आप पत्रकार हैं, मैं आपको पूरी विश्वास दिला सकता हूं, और आप लोग के पास तो सूत्रों से खबर रहता है, लेकिन हमेशा सूत्र थोड़ी जो सही होता है। नहीं, ये बात तो है, ठीक है सर। जेबी तबीयत जी, अब चूंकि मसला ये है कि जब ये चर्चा हो रही है प्रत्याशियों को लेकर, तो मैं इसमें एक सवाल एड ऑन करना चाहता हूँ, हालांकि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल मुझे आपसे पूछना था। वो जब NDA की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ झारखंड के अंदर, तो उसी हिसाब से जाहिर सी बात है आप अपनी रणनीति बनाएंगे, उस हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, लेकिन जब आंकड़ा देखा गया प्रत्याशियों का और जो आपकी स्ट्रैटेजी देखी गई, तो एक दिन सवाल दीपक जी ने भी उठाया था कि दरअसल जितना भरोसा पहले सवर्णों पर कर रहे थे प्रत्याशियों के ऐलान में, इस बार आपका भरोसा उतना नहीं रहा, और ये एक बड़ा विषय है सर। नहीं, प्रत्याशियों पर क्यों नहीं भरोसा रहा, सभी प्रत्याशी हमारे सब भरोसेमंद प्रत्याशी हैं और जीतने जा रहे हैं, उनको जनता का समर्थन मिलेगा। देखिए सर, बात वही है ना सर, अभी जब मैं कमल ठाकुर जी से पूछ रहा था तो आप हंस रहे थे सर, अब मैं आपसे सवाल किया तो आपने बड़े आसानी से टाल दिया सर, बहुत आराम से। मैंने तो कहा ना कि हम हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल पूरे विचार के साथ उनको आगे खड़ा किया गया है। भरोसा डगमगा कैसे गया सर प्रत्याशियों में, जो पहले आप जो प्रत्याशियों का ऐलान आपने पिछले चुनाव में किया और सवालों पर जो भरोसा किया, बाद में वो कैसे बिखर गया सर? नहीं, हमने बीजेपी के अंदर से आवाज उठी थी, हालांकि हो सकता अब तक ना पहुंची हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। केवल दुमका सीट को मैंने बदला, बाकी सीट तो जो घोषित थे उन्हीं उन पर आए। हाँ, कमल ठाकुर जी, सर को जानकारी होगी, जैसे ही चतरा के चुनाव का ऐलान इन्होंने कालीचरण जी का किया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हुए थे परसों दिन रांची, राजधानी यादव ने 200 आदमी के साथ बीजेपी कार्यालय को घेर लिया, जसवंत सिन्हा इनके पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जयंत सिन्हा पूर्व सांसद के पिताजी हैं, इनके करते और कथनी में गलत चीजों को देखते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बोला कि इनको जिताना है। तो यशवंत सिन्हा तो पहले से ही अलग है सर, ढुल्लू महतो कल की लिस्ट परसों की लिस्ट देख लीजिए सर, भरी पड़ी है उन प्रत्याशियों की, उन लोगों की, उन नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। विजेंदर सिंह तो बकायदा टिकट का ऐलान हो गया था कांग्रेस से हरियाणा में, लेकिन आ गए ना वापस बीजेपी में आ गए। गौरव बल्लभ, देखिए गौरव बल्लभ जी का बात कई नाम है सर, हरी पड़ी है लिस्ट। आप तो सीट से परेशान रहते हैं, दो जगह से चुनाव, आप तो परेशान भी हुए इस चीज को लेकर, कितने ऐसे नाम जो कांग्रेस की शान हुआ करते थे इधर आ गए वो। गौरव बल्लभ पर सुन लीजिए, गौरव बल्लभ जी को जमशेदपुर से विधानसभा लड़ाए हम, हार गए। राजस्थान में लड़ाए, हार गए, इसमें कांग्रेस की गलती कहाँ है? देखिए, अति महत्वाकांक्षी पालना अच्छी बात नहीं है, वो बीजेपी में कोई हो या कांग्रेस में हो या JMM हो या किसी दल में हो, पार्टी ने सींच के आपको यहाँ तक पहुँचाती है और छोटे से लालच में आप इधर से उधर होते हैं।
आपको लगता है कि आज चुनाव तो कह रहे थे नीति में जरूर वो तो कह रहे थे इस बात को कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता सर। सनातन विरोधी में लिखा उन्होंने खड़े को के लिए कहा कहा गया इसकी साक्ष्य तो दे दें। मैं जय श्री राम 200 बार सुबह से शाम तक बोलता हूँ, 108 माला जपता हूँ। ये बताने के लिए जरूरी नहीं है जी बीजेपी को कि कौन आदमी सनातनी है। धर्म जो है, धर्म जो है धर्म अलग चीज है और राजनीति में जो मुद्दा होता है वो अलग है। धर्म को कम से कम राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। वो गौरव वल्लभ हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई हो। जय श्री राम तो सभी बोल रहे हैं लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में हैं कि नहीं ये चीज को बताइए। अगर आप जय श्री राम बोलकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। नहीं नहीं जय श्री राम बोल के ये गड्ढा में गिरने की जरूरत क्यों है मुझे? नहीं नहीं गड्ढा में क्यों फिर गिरेंगे? अरे बीजेपी देखिए देखिए सर मैं थोड़ा सा आपके सामने आप एक बजा बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसके इस हिसाब से मैं आपके सामने दो चार सवाल बोल लेता हूँ। मैं आपका मान सम्मान बहुत करता हूँ। बीजेपी गंदी नाली है मैं उसमें घिसने वाला नहीं हूँ। देश के संविधान पर जो सारा घात बीजेपी ने किया है मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है सर धन्यवाद। दीपक जी एक फाइनल कॉमेंट आपसे चाहूंगा। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि गौरव वल्लभ पंत का ये स्टेटमेंट कि मैं सनातन का विरोध नहीं कर सकता बिल्कुल गलत है और उनको ऑलरेडी ऑफर मिल चुका था, उन्होंने एक बहाना बनाकर उन्होंने पार्टी छोड़ा। दूसरी बात है कि जिस कांग्रेस के ऊपर आज हिंदू विरोधी होने का दावा किया जाता है ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए कितने कदम उठाए और कभी कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी हुआ करती थी। इसलिए ये बेबुनियाद है। और सबसे बड़ी बात कमल जी बहुत अच्छी बातें आपने भी कही कि कार्यकर्ताओं को सींच करके पार्टी इतनी दूर लाती है और चले जाते हैं छोड़ के। यही बात को रखना है कि कार्यकर्ताओं को सींच के आप लोग आगे बढ़ाते हैं, वो कार्यकर्ता पार्टी चलाते तो कार्यकर्ताओं को ही टिकट दीजिए, ना किसी बाहरी को पार्टी में ला करके टिकट दिया जाए। इसी से पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, इसी के साथ चूंकि समय की कमी है तो माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवित उमेद जी आपका, कमल ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 7511 का ये गठबंधन था, फिलहाल 751 रह गया, एक सीट खाली है। खैर इस गणित में मत पड़िए क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन है, फॉर्मूला बन रहा है और बार बार ब्रेक हो रहा है और इसीलिए ये सवाल अपनी जगह जायज है अभी भी कि बंटवारा या बंटाधार। आज की खास चर्चा में इतना ही, नमस्ते।